भूपेंद्र हुड्डा जाट वोट को साधने में कहीं ना कहीं कामयाब है और जाट कहीं ना कहीं उनके जोर समर्थन में रहते हैं, और ऐसा देखा भी गया है कि जहां हुड्डा है वहां जाट वोट ऑटोमेटिक खींचे हुए आ जाते हैं। संजय सिंह का एक बयान आता है और उस बयान में संजय सिंह कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाने के लिए तैयार है, और आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि हरियाणा के अंदर वो अब पूरे के पूरे सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। के लिए जो भी चेहरा है अपने आप को सीएम से कम नहीं समझ रहा है, और मनीष सिसोदिया बाहर निकल के आए हैं, मनीष सिसोदिया समझते हैं हम सीएम बन जाए, मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह सोचते हैं हम सीएम बन जाए, आतिश अलग सोचती है, और उधर सौरभ भारद्वाज है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कहीं हमारा इसमें गुलाब भटक के नंबर ना आ जाए। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज। हरियाणा का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा गर्म है क्योंकि चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले, ऐसे में तमाम जो पार्टियां वो गठजोड़ में लगी हुई है। आप देखिए इनेलो के साथ में बीएसपी का गठबंधन होता है, डीजीपी के साथ में एक तरीके से कहें तो आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता है, वही कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी भी कई तरह के पेच फंसे हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो तालमेल होना चाहिए जैसा दिखना चाहिए वैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक पक्ष तो कहता है कि गठबंधन होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं गठबंधन होगा तो हमारा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष सर मौजूद हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी अच्छी खासी नजर रखते हैं, पकड़ रखते हैं और इन पे अपना ओपिनियन देते हुए भी नजर आते हैं। संतोष जी पहले स्वागत है आपका। संतोष जी, हरियाणा को हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे तो कर रही है कि स्थिति हमारे पक्ष में है, सब कुछ हमारे खेमे में है और बीजेपी का कोई चांस यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बारी आती है तो एक गुट जो उनका थोड़ा बहुत चले ठीक है हो गया होना चाहिए, एक गुट जो है वो कहता है कि नहीं होना चाहिए, तो कश्मकश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इस पूरे मामले को कैसा देख रहे हैं कि क्या ये सब कुछ जिस तरह का नजर आ रहा है वैसा है नहीं, या जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा? अगर हम बात कर लें हरियाणा की, हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगने लगा है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है जी, और हरियाणा में इस बार हम बीजेपी को हरा कर जी हरियाणा में अपना दबदबा कायम करने जा रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी कंटिन्यू प्रयासरत है कि किसी भी कीमत पे जितने भी हमारे सहयोगी दल है उन सहयोगी दलों को पुश करके और लेकर चला जाए ताकि इलेक्शन के समय चुनाव के दरमियान कहीं भी किसी भी तरह की एक उथल-पुथल दिखाई ना दे, और यही वजह है कि अभी उस दिन पहले की आप खबर देख रहे होंगे कि जिसमें कि हरियाणा में हुड्डा का एक अलग ग्रुप था, सुरजेवाला का एक अलग ग्रुप था, संजय का एक अलग ग्रुप था, खैर संजय और सुरजेवाला दोनों एक ही लेकिन हुड्डा की बात करी जाए तो हुड्डा थोड़ा सा एक दूसरा खेमा हो जाता है, और कांग्रेस पूरे पता है कि अगर हरियाणा का चुनाव जीतना है तो इसमें जितना भूमिका संजय का है उतना ही भूमिका भूपेंद्र हुड्डा का है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जाट वोट को साधने में कहीं ना कहीं कामयाब है और जाट कहीं ना कहीं उनके जोर समर्थन में रहते हैं, और ऐसा देखा भी गया है कि जहां हुड्डा है वहां जाट वोट ऑटोमेटिक खींचे हुए आ जाते हैं, और शैलजा को देखिए कि जो दलित समुदाय से आती हैं तो वहां भी देखकर ऐसा लगता है कि दलित समुदाय को भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी नाराज नहीं करना चाहते हैं। एक अभी फिलहाल तीन चार दिन पहले खेल देखे हुईगा कि जिस दिनेश फोगाट को लेकर बात होती थी कि दिनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है और देश की बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, और वो सडनली कांग्रेस को ज्वाइन करती है, और कांग्रेस के ज्वाइन करने के बाद एक माहौल चेंज होता है, क्योंकि अगर दिनेश फोगाट की बात करें तो दिनेश फोगाट एक महिला है और महिला वोटरों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम राहुल गांधी की रणनीति को समझे तो अभी आज से कुछ दिन पहले स्मृति रानी तक राहुल गांधी की स्ट्रेटजी के ऊपर तारीफ की कि राहुल गांधी को जो हम पप्पू समझ रहे हैं अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं पप्पा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी हर एक स्टेप को क्या है कि रणनीति के
तौर तरीके से अपने कदम को उठा रहे हैं। और यहाँ पे भी हरियाणा में ऐसा देख कर लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें कड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से राहुल गांधी अपने पार्टी के साथ बैठकर बैठकें करते हैं, मीटिंग करते हैं, नेताओं के साथ बात करते हैं, और बात करके जो एक रणनीति के तौर पे हर पहलू को घेरने की कोशिश करते हैं, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि अपने ही जो सहयोगी दल है उनको साधने के साथ साथ राहुल गांधी ने आज 4 दिन पहले 5 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। और गठबंधन की जब जैसे ही बात निकल कर आई, ये बातें मीडिया में हवा की तरह फैलने लगी, और उसके तुरंत बाद संजय सिंह का एक बयान आता है, और उस बयान में संजय सिंह ये कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाने के लिए तैयार है। और यहां तक सुनने को आ रहा था कि दांव पेच 10 और 7 सीटों में कहीं जाकर फंस रही है, लेकिन आप देखिएगा कि टिकट के जब बंटवारे हुए, बंटवारे के बाद 59 सीटों पे राहुल गांधी अपने प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं और बाकी सीटें गठबंधन के लिए छोड़ने की बात करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी हो, हुड्डा की भी पार्टी हो, तो ये पार्टियों के अलावा जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, तो ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये दिमाग तो जरूर लगा रहे हैं कि हमारी नैया तभी पार हो सकती है जब हमारे पास क्षेत्रीय दल का संगठन मजबूत होगा। और क्षेत्रीय दल का संगठन को लेकर राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, जैसे 2024 का जो इलेक्शन में जो इन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जो सीटें हासिल की है, और इनकी सीटों में भी बढ़त हुई है क्षेत्रीय पार्टी की वजह से, जो जो 50 के आसपास थे, कम से कम 50 के आसपास 99 के करीब पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को ये दिखने लगा है कि हमारा अस्तित्व अगर दिल्ली के गद्दी पे हमें आसीन होना है तो हमें क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो देना पड़ेगा और क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ नहीं आती तो हमारा अस्तित्व नहीं है कि हम दिल्ली की गद्दी पे आसीन हो सके। और कांग्रेस का हमेशा से स्ट्रेटजी रहा है कि हमें दिल्ली की गद्दी दे दो, बाकी गद्दी पे आपको जैसे करना है जो करना है करो जी, लेकिन हमारे को दिल्ली की गद्दी चाहिए। और दिल्ली की गद्दी पे आसीन होने का यह सबसे आसान तरीका है, आसान रास्ता है। यही वजह है कि राहुल गांधी को कहीं ऐसा लगने लगा है कि कहीं आम आदमी पार्टी ये लास्ट मौके पे डिसाइड ना कर दे कि हरियाणा के सारे सीटों पे हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तो वो कैंडिडेट ना उतार सके इसके लिए भी कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट में रुकना चाहूंगा, एक बात और सामने निकल के आ रही है कि अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि हरियाणा के अंदर वो अब पूरे के पूरे सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार सके, क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में जेल के अंदर, और अभी देखिए तो मनीष सिसोदिया निकल कर आए हैं, निकल कर आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ, संजय सिंह निकल कर आए हुए हैं, और इनके पार्टी में भी इंटरनल कहीं ना कहीं एक दूसरे में कला चल रही है। वो कला इसलिए चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में, तो दिल्ली में सीएम कौन, और सीएम के लिए जो भी चेहरा है अपने आप को सीएम से कम नहीं समझ रहा है, और मनीष सिसोदिया बाहर निकल के आए हैं, मनीष सिसोदिया समझते हैं कि हम सीएम बन जाए, मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह सोचते हैं कि हम सीएम बन जाए, आतिशी अलग सोचती है, और उधर सौरभ भारद्वाज है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कहीं हमारा इसमें भुला भटक के नंबर ना आ जाए। तो अगर इस गुणा गणित को देखिएगा तो आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, और आज की डेट में अगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक ऑफर के तौर पे आम आदमी पार्टी को अगर हरियाणा में उतारना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक लॉन्चिंग पार्टी के तौर पे 10 सीट पे नहीं 7 सीट पे 8 सीट पे भी जाकर वहां पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक कोलैबोरेशन में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के फ्यूचर भविष्य के लिए अच्छा होगा। और हम कांग्रेस की बात करें तो अगर बीजेपी को हरा के सत्ता में काबिज होते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और बीजेपी का किसी ना किसी तरह से कॉन्फिडेंस को लूज करना चाहते हैं,
अगर हम देखें तो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को और अच्छे अच्छे नेताओं की टिकट काटी है, जिसमें कि आपने सुना भी होगा कि 25-30 लोगों ने रिजाइन कर दिया बीजेपी से, बड़े नेताओं ने रिजाइन किया। और ये स्थिति हरियाणा में अपने आप को बचाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी इनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें जी जी जी। कि महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें आरएसएस की बात कर ले, आरएसएस को ले ले, तो आरएसएस अजीत पवार के फेवर में नहीं है बिल्कुल, और अजीत पवार शरद पवार उनकी चाचा जी, 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 जी। ये सीधा सीधा केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी है उनको ये ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है तो हम नितिन गडकरी को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सीएम चेहरा पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और यही स्थिति के वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने साख को बचाने के लिए, अपने नाक को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी भी स्थिति परिस्थिति को भांप चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि नहीं भाई किसी भी हाल में ये अपने इंटरनल चीजों को तो बेहतर दुरुस्त करना ही करना है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी तवज्जो देके अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। जी अच्छा सर, आपको बताइए कि हरियाणा को लेकर बात की जाए तो बीजेपी थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है, विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या आपको लगता है कि माहौल बदलेगा हरियाणा में? क्योंकि अगर आप देखें ब्रजभूषण लगातार ये बात कह रहे हैं, फिर संजय सिंह जो WFI के अध्यक्ष है वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई जो मकसद के तहत ये साजिशन आंदोलन किया गया था वो मकसद अब पूरा हो गया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, उनको टिकट भी मिल गया, तो ये इमोशनल कार्ड लेने कांग्रेस पार्टी खेलना चाह रही थी उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। देखिए अगर हम बात करें विनेश फोगाट की सिंपैथी की बात करें तो कुछ महिला वोटर्स का सिंपैथी तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण हमलावर हो रहे हैं और जिस तरह से अगर कंटिन्यू अगर हमलावर रहे जी तो वहां से महिला वोटर का परसेंटेज कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से आज के समय में दिखने लगा है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रोजेक्टेड आंदोलन था और उन आंदोलनकारियों को इलेक्शन में शामिल किया गया ताकि महिला वोटरों को अपनी तरफ लुभाया जा सके, अपनी तरफ लाया जा सके और उन महिला वोटरों को लेकर और हम एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की महिला वोटर्स भी कम नहीं है और महिला वोटर्स की ताकत को आप कम मत आंकी। तो राहुल गांधी ने दिमाग तो लगाया लेकिन बहुत जल्दीबाजी कर दी, अगर विनेश फोगाट को इलेक्शन जीतने के बाद अगर पार्टी में शामिल करते या कोई और पद हो या ओहदे पे लाते तो शायद ये इलेक्शन उनके लिए बेहतर होता कि विनेश फोगाट अगर ये बोलते हुए नजर आते कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी लेकिन हमारे हुए अन्याय और जुल्म के खिलाफ कोई पार्टी हमारे साथ खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस को हम इलेक्शन ना लड़ते हुए, आम नेता ये बातें बोला करते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मैं कहीं से लड़ना नहीं चाहता, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी बातें पलट जाती है और बयान पत्र पलट जाते हैं और वो बाद में कहीं 2-4-5 साल पहले कहीं भी बातें दुनिया भूल जाती है और उसके ऊपर उतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस इलेक्शन में अगर हम ये देखें तो अगर ब्रजभूषण अपने तरफ से हमलावर होते हैं या बीजेपी के कई नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट कांग्रेस के द्वारा प्रोजेक्टेड एक आंदोलन चला रही थी और ब्रजभूषण के जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, उसको कहीं ना कहीं तार तार करने और गिराने के लिए ये पूरी एक साजिश रची गई थी और पूरा षड्यंत्र था। और आज आपने सुना होगा कि ब्रजभूषण ने कल के स्पीच में बोला है कि इसकी स्ट्रेटजी 2 साल पहले नहीं, इसकी स्क्रिप्ट 4 साल पहले लिखी जा चुकी थी कि ऐसे ऐसे करना है और उसमें हुड्डा का भी नाम आया है कि हुड्डा कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे इस प्रोटेस्ट को करवाने। जी
जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है सर ने, क्योंकि देखिए जिस तरह से विनेश पवार को लेकर माहौल ऐसा बना जरूर था कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं आंदोलन चलाने का प्रयास करें, जो बेटियां बच्चे आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ में कोई ऐसी हरकत ना हो, इसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके तुरंत बाद उनको टिकट मिल जाना, कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल लोग हैं आपको कह सकते हैं बीजेपी के नेता हमको बोलने का मौका मिला है, और ब्रजभूषण खास कर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी तरह से इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे लगातार बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि आप तक एक जो है पॉजिटिव संदेश, पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जा चुके, क्योंकि खबरों के अंदर जो खबर होती है, जो असली खबर होती है, उसको लेकर हम आपके सामने आने का प्रयास करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहें। नमस्कार।